सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर में। आज बात करेंगे पार्ट टू की टर्शियरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटी। पार्ट टू के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे आप क्वार्टनरी एक्टिविटी है और टर्शियरी एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल हैं उनके डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आता है सर्विसेज, ये भी एक टाइप से टर्शियरी एक्टिविटी का ये एक एग्जाम्पल है। सर्विसेज सेवाएं भी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, एक तो हाई ऑर्डर होती है एक लो ऑर्डर होती है। लो ऑर्डर के अंदर जैसे जो हमारे माली हैं, धोबी है, ये सारी चीजें हैं वो आती हैं, जबकि हाई ऑर्डर के अंदर डॉक्टर हैं, लॉयर है, टीचर हैं, ये सभी जो चीजें हैं वो आती हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर लेबर जो ये काम करते हैं इनको लेबर बताया गया और लेबर को भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो मेंटल जो मानसिक रूप से हमें जो सेवाएं देते हैं, जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, ये सभी हमें मेंटली रूप से क्या देते हैं, सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ शारीरिक होते हैं मतलब फिजिकली, जैसे धोबी है, माली है, ये सभी लॉन्ड्री जिसको बोलते हैं हम, ये सभी हमें फिजिकली रूप से जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ अब बात करते हैं कुछ देशों के अंदर जो पीपल है वो एंगेज हैं टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर, उनकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ जो डेवलपिंग जो कंट्री है उसमें लेस देन टेन परसेंट जो व्यक्ति हैं वो किसके अंदर रहते हैं, किसके अंदर काम करते हैं, वो करते हैं टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। फिर बात करूँ अकेले यूएसए के अंदर 75% जो लोग हैं वो काम करते हैं किसके अंदर, टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। और डेवलपिंग के अंदर इनका हाई रेशियो है, जो डेवलप जो कंट्री है उनके अंदर इनका जो रेशियो है वो हाई है। और प्राइमरी और जो सेकेंडरी एक्टिविटी है इनका लगातार जो इम्पोर्टेंस है वो लगातार कम होती जा रही है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होने के कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण है। जैसे टर्शियरी जो एक्टिविटी है इसके अंदर लोगों को जो रोजगार है वो ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के दौरान। चलिए आगे बात करते हैं टूरिज्म पर्यटन की बात करूं तो ये इनका जो मुख्य जो पर्पज होता है वो इंटरटेनमेंट होता है, न कि बिजनेस। यहाँ पे लोग मतलब अपने मनोरंजन के लिए आते हैं, न कि बिजनेस के लिए। और इंडिया की मैं बात करूँ टोटल जो रिवेन्यू होता है उसका 40% ऑफ द जीडीपी, उसका 40% जीडीपी के अंदर आता है। मतलब टोटल जितना रिवेन्यू है इंडिया का उसका 40% हमारा जीडीपी के अंदर अकेला टूरिज्म का है। पीपल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, या उनको रेंट पे कमरे देने की जो रूम है वो देने की हो, या उनको भोजन प्रोवाइड करना, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जैसे गाइडलाइन करना, ये सभी जो पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट है वो देता है। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत करते हैं, या फिर जो देश की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का जो कार्य है वो करते हैं। चलिए सम रीजन्स टूरिज्म डिपेंड्स ऑन वेदर, मतलब कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे हैं जो वहाँ की पर्टिकुलर वेदर के लिए या क्लाइमेट के लिए फेमस है। टूरिज्म रीजन, इन्होंने क्या किया, जो पर्यटन जो क्षेत्र है उनके बाद आदि जो मेडिटेरियन जो रीजन है वो आते हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न जो पश्चिमी जो घाट है इंडिया का वो आता है। हिस्टोरिकल टाउन्स ऑल्सो अट्रैक्ट, जो ऐतिहासिक जो नगर होते हैं वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कारण होते हैं। अदर फैक्टर की मैं बात करूँ जैसे विंटर स्पोर्ट्स रीजन है जहाँ पे बर्फ पड़ती है वो क्षेत्र आ जाते हैं। नेशनल पार्क है, माउंटेन रीजन है, ये सभी क्या करते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ जो फैक्टर है फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म, दो फैक्टर है जो किसको इफेक्ट करते हैं टूरिज्म को, एक तो होती है डिमांड और दूसरी चीज है ट्रांसपोर्ट। डिमांड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे जिस देश के अंदर जो टूरिज्म है वो ज्यादा इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे जो डिमांड्स है वो इंक्रीज होती जाएंगी, तो इसके कारण उन्होंने नए प्लेस की स्थापना करनी पड़ती है। मतलब जो टूरिज्म जो प्लेस है उनका उनका देख रेख या उनका जो रख रखाव वो करना ही पड़ता है। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि जब ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्होंने आसानी होगी और कम समय में पहुंचेंगे, तो जिसके कारण वो क्या होंगे, आसानी से घूम सकेंगे, घूम पाएंगे पूरे इंडिया को या पूरे उस प्रदेश को। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर हैं जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिज्म को अपनी साइड, उनकी बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर टूरिज्म अट्रैक्शन की, मतलब जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो टूरिस्ट हैं उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनके बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे कि उनको इफेक्ट करने, उनको अट्रैक्ट कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की जो क्लाइमेट है वो उस चीज़ को इफेक्ट करती है, और कई कुछ क्षेत्रों की जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो दिखावट है, जो बनावट है, वो इफेक्ट करती है। कुछ की हिस्ट्री एंड आर्ट, वहाँ का इतिहास एवं कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे इतिहास में बात करूँ, जैसे इंडिया है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो प्लेस हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे इंडिया के अंदर राजस्थान, और कल्चर एंड इकोनॉमी की जो कल्चर है वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जो इकोनॉमी है वो भी एक फैक्टर है कि जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये सभी वो फैक्टर थे जो जो टूरिस्ट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने वाले फैक्टर हैं। चलिए मेडिकल सर्विसेज फॉर और चीज की, मतलब समुद्र पार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, इस पे आपको बताना है, जो उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, क्योंकि एक एग्जांपल के द्वारा मेडिकल जो ट्रीटमेंट है इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट इज लीड्स इटसेल्फ टू व्हाट इट इज कॉमनली नोन एज द मेडिकल टूरिज्म। ये आपको एक डेफिनेशन थी मेडिकल टूरिज्म की। अबाउट, मतलब 55,000 के आसपास जो पेशेंट है वो फ्रॉम यूएसए से विजिट करते हैं इंडिया के अंदर। 2005 के अंदर लगभग 55,000 जो व्यक्ति हैं वो भारत आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उनके अंदर हमें अच्छी किस्म के, कहने का मतलब है अच्छी क्वालिटी के, या अच्छी क्वालिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अच्छी सुख सुविधाएं इन अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं। और इंडिया हैज इमर्ज्ड लीडिंग कंट्री, और इंडिया इस चीज में अग्रणीय देश है, भारत का एक अग्रणीय स्थान है। मेडिकल टूरिज्म बेनिफिट, इसका जो मेडिकल जो फैसिलिटी होती है, जो मेडिकल जो टूरिज्म है, इसका जो बेनिफिट है वो इंडिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, इन देशों को ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे लोग आते हैं और घूमते हैं और उनका इलाज हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ का मतलब है, मेडिकल टूरिज्म का मतलब है लोग यहाँ पे आए अपने इलाज के लिए, और इलाज कराने के बाद यहाँ पे इलाज है वो सस्ता होता है, और इलाज सस्ता होने के कारण वो लोग बची हुई धनराशि को टूरिज्म, घूमने पे लगा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल जो सेक्टर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे टेस्ट हुआ या फिर जो मेडिसिन है, ये जो आउटसोर्सिंग है ये भी इंक्रीज हो रहा है। MRI है, राइजिंग फ्रॉम द रीडिंग, रेडियोलॉजिकल इमेज, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये इस प्रकार के सभी जो ये जो मेडिकल जो फैसिलिटी हैं वो सभी की सभी यहाँ पे सस्ती हैं। इसी के कारण जैसे MRI हुए, अल्ट्रासाउंड हुई, या फिर मैं रेडियोलॉजी इमेज की मैं बात करूँ, तो ये सभी के सभी सस्ती हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर सस्ती होती है मेडिकल सर्विस, और जो डेवलप होते हैं उनके ज़्यादा उनके अंदर महंगी होती हैं। चलिए क्वार्नरी एक्टिविटी, क्वार्नरी मतलब चतुर्थी जो क्रियाकलाप है वो आती है। पीपल वर्क इन ए सेगमेंट ऑफ द सर्विसेज सेक्टर दैट इज नॉलेज, कि ये कहने का मतलब ओरिएंटेड, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये एक टाइप से एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, एक टाइप से नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होती है, और इसको डिवाइड किया गया है दो के अंदर, एक तो क्वार्नरी और क्वार्नरी, क्वार्टनरी और क्वार्नरी एक्टिविटी के अंदर डिवाइड किया गया है। जो क्वार्टनरी एक्टिविटी है, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन है ऑफ इवन प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत क्या है, रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है वो किया जाता है, और स्पेसिफाइड या एक स्पेशली नॉलेज है वो दी जाती है,
और इसके साथ साथ टेक्निकल स्किल भी डेवलप की जाती है इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं। क्वानरी एक्टिविटी के अंदर मैं बात करूं, क्वानरी एक्टिविटी के मैं अंदर बात करूं तो केपीओ और बीपीओ हमें देखने को मिलते हैं। देखिए केपीओ एंड बीपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, इसके अंदर तो ज्यादातर जो कॉल सेंटर है वो देखने को मिलते हैं और इसके अंदर हमें क्या होती है कि जो टेक्निकल जो स्किल है वो देखने को मिलती है, या जैसे ई लर्निंग हुई, या मैं बात करूं यहाँ पे आईपी और प्रोफेशनल बैंकिंग, ये सभी जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉल सेंटर हमें बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये थे हमारे केपीओ और बीपीओ के अंदर, ये ज्यादातर अभी ये जो इंक्रीज हो रही है, बीपीओ जो इंक्रीज हो रहा है ये ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर आता जा रहा है, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है यहाँ पे आने का वो है कि यहाँ पे जो वर्कर है, जो लेबर है वो सस्ती है, जो वर्कर है वो सस्ते हैं, इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये सस्ती होने के कारण यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं द डिजिटल एंड, देखिए आगे बात करते हैं द डिजिटल डिवाइड की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है वो इसके अंतर्गत है, देखने को मिलता है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो कितनी जल्दी अपने लोगों को इंफॉर्मेशन है और जो कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करती है। हाउ टू क्विकली कंट्रीज कैन प्रोवाइड आईटी एंड उसके एंड बेनिफिट, और उसका जो बेनिफिट है वो कितनी जल्दी कौन सा देश प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है इंडिया एंड रशिया, इसके जो एग्जांपल है वो है इंडिया एंड रशिया। देखिए द डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सा देश कितनी जल्दी अपने लोगों को पहुंचाता है, ये इस चीज पे है, और ज्यादातर जो डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो इंफॉर्मेशन अपने लोगों को जल्दी पहुंचाते हैं, जबकि जो डेवलपिंग जो कंट्री हैं उनमें इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मतलब लोगों तक पहुंचती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाने में काफी ज्यादा जो प्रोसेस है वो लगती है, या मैं कह सकता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है वो कम है, तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर कम है और जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर ज्यादा है। ये 7 चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।